8 people, 50 hours, 1 film. Let's get it. Nothing can stop me. I'm all the way up. New haircut on point, and yeah, this is the BTS video. Now this is not a vlog type video जिसमें मैं पूरी journey दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे मिले, सब इकट्ठा हुए, we made a film and all. क्योंकि वो सब तो अमन ने already डाला है उसके vlog channel पे. So I thought it would be repetitive क्योंकि अमन ने already वो पूरी journey document करके डाल दी है and repetitive content doesn't make any sense क्योंकि boring हो जाएगा यार basically same चीज क्या देखने का. So instead of that मैंने सोचा कि ये video में मैं सिर्फ crisp और एकदम funny scenes दिखाऊं जो behind the scenes हुए. Only the entertaining ones and basically process कैसा था, how were we feeling at that moment और ऐसा सब. You all can sit back, relax, enjoy the show, enjoy the BTS show. Let's go. And yeah, before enjoying the show, do let me know ki haircut kaisa laga comment section mein. Kyunki meko aap log se suggestion lena bahut acha lagta hai. It really helps me. So, bata dena. Yes, ये देखो vlog पे vlog इधर लोग बाजू में देख रहे हैं. These guys are here. This is what happened when two vloggers meet. Actually दो vlogger नहीं मिलते, दो cameras मिलते हैं. जैसे दो दिल मिलते हैं ना, यहाँ पे दो cameras मिलते हैं. Almost famous ना, तो whatever he does, मतलब मुझे इस building में टॉपिक मिलके अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले थे, 10 बजने वाले थे और हम लोग सोच रहे थे कि खाने में क्या मंगाए. वाओ, डिनर कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दिमाग में, उसको डेवलप करके देखते हैं. अभी रिवील नहीं करेंगे, जीतने के बाद. तो भाई अभी सब मस्ती में डिनर कर रहे थे, बातें कर रहे थे, सब भूल ही गए थे कि हम लोग फिल्म बनाने हैं. अचानक स्ट्राइक हुआ कि 10:35 बज गए, चलो फटाफट टॉपिक सोचो, कंसेप्ट सोचो, स्क्रिप्ट लिखना चालू करो, क्योंकि हम लोग को 50 घंटे मिले थे, 50 दिन नहीं मिले थे लिखने के लिए. हाँ, रास्ता खत्म. He's saying कि जो पीओवी जो था ना अपना पहुंचा, वो नहीं करना, बट वी आर स्टिल कीपिंग द नरेशन. सो अभी ये पॉइंट पे एक ब्रिलियंट सी आइडिया पॉप हुई थी, बट सम पीपल डिड नॉट लाइक इट, सो वी स्क्रैप्ड इट आउट. बट आई एम डैम श्योर एक दिन इस पे ये जो आइडिया ना अभी आपको बताने तो नहीं वाला, उस पे मैं एक फिल्म बनाऊंगा. क्या ही आइडिया थी वो. 10 बज के हो गया, स्टिल वी आर डिसाइडिंग, इसलिए हम लोग नीचे है थोड़ा, यू नो फ्रेश हवा लगेगी तो और आइडियाज आएंगे मन में. कैसा लग रहा है तुम लोग को अभी तक डिस्कस कर रहे हैं? अभी तक डिस्कशन चालू है. देखो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस अच्छे बहुत हार्ड है. दोनों बोर होके मस्त बैठे. कैसा लग रहा है तुझे? फिलहाल तो टाइम क्रंच है थोड़ा, बहुत कॉन्टेम्प्लेट कर रहे हैं. 11:53 क्या बोलना चाहेगा ना? तो बात ऐसी है कि धक 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 हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है. गाइस आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड. ओह माय गॉड, कुछ भी कुछ भी. बहुत थिंग्स आ रहे हैं माइंड में, पर एक कुछ फिक्स ही नहीं हो पा रहा, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, पूरे कंफ्यूज हो गए भाई. सो इट वॉज डे 2 और 8 PM से लेके 12 AM तक हम लोग को बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है दिमाग में, पर चेंज करते गए हम लोग को, मतलब ऐसा फील हो रहा था कहीं ये स्क्रिप्ट में ऐसा बराबर नहीं है, ये स्क्रिप्ट में ऐसा बराबर नहीं है, सम व्हाट द स्क्रिप्ट इज लैकिंग, दैट स्क्रिप्ट इज नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, बहुत ऐसे सब थॉट्स आ रहे थे और अभी तक हम लोग का कुछ फिक्स नहीं हुआ था और हम लोग का माइंड तो पूरा जंबल अप हो रहा था. हम लोग सोच रहे थे अरे ऐसा करे, वैसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, एंड एवरीवन वाज टायर्ड. So it was something 12:30, 12:35. Everyone needed a break. And अभी हम लोग ऐसे पॉइंट पे आ गए थे कि हम लोग के गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत थी. I mean we needed a tea break. What else could be better than a chai यार ऐसे सिचुएशन में. कॉफी की चाय. चाय भाई, अपन चाय वाले, अपने को कॉफी जमता है. तू इधर आ रहा है बना, ये बना रहा है. मेरे को तो नहीं आता भाई चाय कॉफी बनाना, पर सीखना चाहिए, ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है. Exactly. ये लोग तो पिज्जा खा रहे हैं अभी, कल पिक्चर बनाना है, ये पिक्चर शूट करने क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो. पचास घंटे भाई टीम को चाय पानी सब देना पड़ता है, वरना काम नहीं करेंगे. ये टीम काम करते ही नहीं.
Oh my God, it was 3 AM right now और हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रेस उतर गया था, सिर्फ थोड़ा सा ही, क्योंकि हम लोग का स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुआ था, बाकी तो our race was against time. हम लोग के माइंड में अभी स्टोरी क्लियर थी, तो बेसिकली अभी हम लोग एक स्टोरी बोर्ड बना रहे थे, we were just thinking how things will take place on screen, तो सब कुछ जॉट डाउन कर रहे थे एंड ऑल्सो थोड़ा डेप्थ में भी जा रहे थे कि क्या क्या हो सकता है स्टोरी में. चल गुड नाइट. हाँ गुड मॉर्निंग. एक्चुअली हम लोग सो गए हैं ऑलमोस्ट 6 बजे. हम लोग 6 बजे सो रहे. एनीवेज अभी 6 बजे हम लोग भी सो जाते हैं कल फ्रेश होना, क्योंकि टुमारो इज द शूट डे. कल कितना 10 बजे कर रहे हैं ना शूट? हाँ 10 बजे. 10 बजे शूट करने वाले हैं. तो या गुड नाइट. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. आफ्टर 3 आवर्स ऑफ स्लीप, यू नो मेहनत चालू है, तो अभी शूट चालू करने वाले. दिस इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट एंड द लास्ट डे एक्चुअली. आज आधी शूट फुल कंप्लीट खत्म करना है, पूरा एडिट. एक मिनट. स्टॉप. आपने सुना अभी ये बंदा क्या बोला? वो यही बोला कि एक दिन में पूरा शूट करेंगे और नेक्स्ट डे एडिट करेंगे. आपको सच्ची लगता है ऐसा हुआ? काश ऐसा होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. थिंग्स डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान. 2 दिन लगे शूट को, पर अभी क्या करें, ऐसा सब होता ही रहता है फिल्म मेकिंग में, और प्लान भी एकदम रेडी रखना ही पड़ता है. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. बट या दिस मॉर्निंग वी वर ऑल पम्प्ड अप, ऑल फ्रेश, एकदम शूटिंग करने को निकले, excited bhi the. And yeah, by the way, shooting was my favorite part in making the entire film. Here's how it went. hello. Let's do this. Ganpati Bappa Moriya. Pura scene aa gaya. Chal ready. Let's go. फर्स्ट सीन शूट करने जा रहे हैं हम लोग अभी. हाँ Just do this. ऐसा सब चलता है शूटिंग के वक्त. इट्स रियली नाइस. सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ. अगर आपने भी नहीं बनाई कभी शॉर्ट फिल्म और यू आर इंटरेस्टेड, एंड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन सच कॉन्टेस्ट. बहुत मजा आता है और सीखने को बहुत मिलेगा. ये माइंडसेट लेके पार्टिसिपेट करो कि आपको सीखने को बहुत मिलेगा. इट्स देन वे टू फन. क्या कर रहा है सर? शूटिंग कर रहा है. और इधर देखना, हम क्रिकेट खेल सकते हैं. ओह अच्छी है. 3 डंडी. ओह इसको गाइस खा गया. सो गाइस टर्म जैसा भी यूज कर सकते हो. मर्ची है. इंटरव्यू क्या क्या पूछना चाहते हो? आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा रहा है. मैं सबसे हार्ड वर्किंग बंदा ये कैमरा के पीछे. थैंक्स. वेलकम टू अमन इंटरव्यूज. तो पहले इंटरव्यू देंगे हम रोहित का. रोहित ये बड़ा सेलिब्रिटी है, नहीं लगा. हां हेलो गाइस. सो हाउ इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस शूटिंग? नॉट फर्स्ट एग्जैक्टली. कैसा लग रहा है? अच्छी बात है, बस बारिश ना हुआ है. हाउ इज एक्सपीरियंस? इट वाज कॉन्सिक्वेंस. नहीं गुड. मैं गरीब आदमी है भाई, मेरे को मच टू माय प्लीज. मेरे को जाने का भाई, चलेगा मेरे को घर जाने का. तो ऐसे देखो सवाल, कैसा शॉर्ट फिल्म जा रहा है? जस्ट इमेजिन एनीथिंग दैट मेक्स यू क्राई. तो भाई करंटली रोने वाला सीन हो रहा है और हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसलिए इधर आ रहे. रोने पे आ गए हो भाई? रो ही नहीं रहे एक्टर्स. कर लो यार, प्लीज कर लो. मेरी जिंदगी में इतना दुख है मेरे को. देखो भाई, देखो बंदे के इमोशंस. रोहित कैसा लग रहा है? अपनी जान देखो भाई किधर खड़ा है. तार्जन है अपना, ने जान को रिस्क पे डाल रहा है. क्या है तेरा लास्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा फिल्म, दुआ में याद रखना. और तो अभी रोहित का बेडरूम पूरा स्टूडियो बन गया. और ये ऐसा भी पहले नेक्स्ट फिल्म से बाद में रेंट लेगा. डिजाइन हो जाएगा अपना 5:30 तक. इट्स ऑलमोस्ट 5:55 नाउ. 40% फिल्म शूट करके हो गए. Honestly, this 50-hour filmmaking challenge is really challenging. It demands hard work, dedication, discipline, teamwork, sab chahiye. And then you put things together, tabhi jaake ek perfect film banegi. लास्ट मोमेंट टेंशन आता है ना, तो सब सच. जब भी टेंशन आता है ना, आग बंद करो, अपने आप को बोलो भाई ब्लॉग बना लूंगा चुम्मा एकदम. जब भी 10 साल बाद ही देखूंगा तब मेरे को मजा आएगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज को एक्सपीरियंस किया. पूरा दिन क्या हुआ, हम लोग पूरा फिल्म मेकिंग में बिजी थे. रुको अभी उधर शॉट चल रहा है. देखो पूरा इज्जत वाला ऊजी फिल्म मेकिंग हो रहा है. सो दिन खत्म होने आया था एंड व्हाट अ प्रोडक्टिव डे दिस वाज. पूरा दिन बस शूट. मैं तो व्लॉग की भी शूटिंग कर रहा था और फिल्म की भी शूटिंग कर रहा था, बट तो भी हम लोग के 2 सीन्स बाकी थे. लास्ट 2 सीन्स, एक तो हम लोग रात को ही शूट करने वाले थे और दूसरा हम लोग को सुबह उठ के करना था, इसलिए 2 दिन लगे शूटिंग को. बट एनीवेज ये सब में मैं एक चीज तो भूल ही गया था. मेरे को नहाना था. ऑल फ्रेशन अप नहा के हो गया गरम गरम पानी से. वो सुकून मिला है ना भाई, इतना सब स्ट्रेस लेके सुबह से नहाया नहीं था. अभी नरेशन करने वाला है एक्टर का. 9:15 हो गया, तो वो डिनर करेंगे और फिर नरेशन करेंगे. कूल.
एंड नाउ इट वाज डिनर टाइम और ये बार हम लोग को जरा भी वक्त नहीं लगा सोचने में कि क्या मंगाए खाने के लिए क्योंकि अभी सबको टाइम का इंपॉर्टेंस पता चल गया था। तो फटफट डिनर करके हम लोग रोहित के घर पे गए, जैसे कि बोला एक रात को सीन शूट करना था। तो अभी हम लोग जो रोहित के घर पे सीन शूट करने वाले थे वो तो रात को करने वाले थे, पर ये सीन हम लोग ने मूवी में मॉर्निंग में यूज किया, मतलब ऐसा दिखाया कि मॉर्निंग है और बिकॉज ऑफ लाइट्स बहुत पावरफुल होते राइटिंग। सॉरी यार रोहित स्टूडियो में आ गए इतने रात को, लाइट चेंज के ये लोग मेरे को बोल रहे हैं लाइट देखने का, रात को सुबह कर दिया अभी फिलहाल तो लॉकेट चाहिए। तू रोना सीख पहले, ये हमारी इक्विपमेंट सोनी अल्फा सपना तो ना ये देखो मैं इधर ये पकड़ा है, क्या मतलब क्या ही लाइटिंग से कमाल ही कर दिया। लाइट ऐसी चीज होती है ना, अगर आपको एक फिल्म बनाना है तो फिल्म में हमेशा लाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी हम DIY लाइट रात को दिन बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोन, एकदम फुल माइंड ब्लो हो गया। रोलिंग एक्शन। हम साथ साथ है, उधर अमन ने उसका हाथ पकड़ा है, इधर मैंने अमन का हाथ पकड़ा है। दिस इज डे 3 फाइनल डे ऑफ शूट एंड सुबह उठ के आपको लग रहा रहेगा कि कुछ कैमरा के बारे में करेंगे, फिल्म के स्टोरी लाइन के बारे में करेंगे, पर इधर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग आए जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। दिखा दिखा वो इक्वेशन दिखा इधर लोग मैथ्स भी पढ़ रहे, इसका टेस्ट है। अच्छा कितना कॉपी किया? Alright then, this was the day 3 और ये दिन हम लोग उतना स्ट्रेस नहीं थे जैसे कि लास्ट 2 days में थे, क्योंकि ये दिन काम थोड़ा कम था, हम लोग को एक सीन शूट करना था और एडिट करना था। वैसे एडिट तो हो ही रहा था जैसे मूवी आगे बढ़ रहा था, तो एडिट भी थोड़ा SFX ढूंढ के डालना था। या फाइनल डे, वैसे टेंशन तो थोड़ा बाद में आने वाला था अपलोड करते वक्त। And we were almost done now. हो गया, अभी बस editing बाकी था। भैया गजब सी feeling आ रही थी। खत्म, back up. And shooting हो गई थी। अभी सब almost free हो गए थे, सब लोग almost look के हो गए थे। बस मेरे को और सोम की थोड़ा edit का handle करना था। But yeah, 2.5 days की मेहनत। It was 4:30 PM. Five of us left for our film to be submitted. Our work was almost done. But भाई बाकी सब की हालत after shoot was they were so exhausted. चलने की भी हालत में नहीं थे। बहुत थक गए थे सब लोग। तो आधे लोग सो भी गए थे। And they were just relaxing. भाई सब बहुत थक गए थे। But apart from that, these 2.5 days were one of the best learnings in my life. Learned many things, absorbed many learnings from different people. Man, basically this all was really magical. Like literally, most of us met for the first time ever. But then too, crew से ज़्यादा we were all feeling like a family in just 2.5 days. Overall, मेरे को तो नहीं पता अभी फिल्म अच्छी बनी या ठीक ठाक बनी। But ये ज़रूर बोल सकता हूँ, हमारे जो memories बने ना, those were priceless. Those moments were really special. I'm glad that I filmed all of this. ताकि कुछ सालों बाद मुझे याद आए, man, I made a film in 50 hours और वो कुछ ऐसा दिखाता। Although there were so many ups and downs in our 50-hour filmmaking journey, बहुत सारे problems आए, but the most important thing is हम लोगों ने सब problems को deal करके आगे बढ़े। It was a lovely experience and what a cheerful vibe. धक 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 Waiting for dogs. Allah. Okay. Good job. तेरी आँखें